क्या तेरी तो हेलो घर में सोया रहेगा। लेकिन सर आज तो शनिवार है। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? आज शुक्रवार है। पर कैलेंडर में तो शनिवार लिखा हुआ है। सफाई कैसे करूं? कागज की जरूरत है मुझे। गया काम से। अगर जो समय बर्बाद किया उसके लिए आज डबल काम कर लेना समझा? अरे फिर से नहीं सर, मैंने कहा ना मैं काम पर जा रहा हूँ। बेटा तुम्हारी मॉम बोल रही हूँ। मम्मी क्या हुआ मम्मी? बोला मत, कल तुम्हारे पापा का ऑपरेशन होने वाला है। मम्मी क्या हो गया था? क्षमा करें, आपका फोन भुगतान न करने की वजह से काट दिया गया है। मैंने तो अभी बिल भरा हुआ था, अब क्या खून चूस गया मेरा? पापा का ऑपरेशन होने वाला है, कहीं उनको बिल्कुल नहीं। पापा मैं आपको मिलने आ रहा हूँ पापा। हेलो मम्मी। अब तो तेरी माँ ने तुझे बचा नहीं सकता। सर मेरे पापा का ऑपरेशन होने वाला, आज मैं काम नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी छुट्टी लटका। लेकिन सर ये ना इंसाफी है, लगता है मुझे काम छोड़ना पड़ेगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मेरे पास तो और कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर मैं कुछ बहाना बना दूं तो क्या? उससे बात नहीं बनेगी क्योंकि वो फोन करके पता कर लेगा। मैं किसी हालत में नौकरी नहीं छोड़ सकता, लगता है अपने बीमार पापा को इस बार नहीं मिल पाऊंगा। किस तरह की औलाद हूँ मैं? अच्छा बेटा तो नहीं हूँ, ये बात पक्की है। अपनी आरी के बदले ये झाड़ू मेरे हाथ में, क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो पता भी नहीं था कि पापा की तबीयत खराब है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। अरे ये पेड़ काट क्यों नहीं रहा है? आरी को चालू करना ही भूल गया मैं तो। पता नहीं उन्हें हुआ क्या होगा। अरे अरे मेरा पैर। ये लुका लुका फिर से पेड़ काट रहा है, मैं तो तंग आ गया हूँ भाई। चलो उसे पकड़ते हैं। देखो तो मुझे, मैं कितना बदनसीब हूँ, मेरे पापा बीमार हैं और मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। लुका के बच्चे चल भाग गया उसे। अरे तुम दोनों आ गए, मुझे तुम दोनों के साथ खेलने का आज मन नहीं कर रहा। मैंने क्या कर दिया? अगर वो भालू मेरी आरी तोड़ दें तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ये तो कमाल का बहाना होगा। पकड़ लगा वो मेरा शर्ट लौटा जाए। ये लो छोटे, कुछ तो गड़बड़ है। ये भी ले लो, तुम दोनों के लिए एक तोहफा है ये। क्या? क्या बात है, तोड़ डालो, अच्छे से तोड़ डालो। अब ये टूटी आ रही मेरे घर जाने का बहाना है। आज ये कुछ बदला सा लग रहा है, लगता है उसे अपनी गलती का एहसास होगा। मुझे नहीं लगता ये सही है। हेलो सर, मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था। तू अब तक अपने घर में क्या कर रहा है काम चोर, बता। बात ये है मैं अभी घर आया हूँ, फिर से वो भालू आ गए थे, कमबख्तों ने मेरी आरी तोड़ डाली। मान जा। अभी फटाफट तुझे कटार भिजवाता हूँ। लगता है अपना काम पूरा करने के बाद ही घर जाने को मिलेगा मुझे, लेकिन वो भालू फिर से टांग अड़ा देंगे। ठीक है, तेरी की ये सारे फल तो पहले से ही सड़ चुके हैं, कोई बात नहीं मैं उन्हें ऐसे ही दे दूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। भाई मुझे भूख लगी है।
मोटे, अब बस भी कर। तूने अभी तो पेड़ भर के खाना खाया था, फिर से तेरे कुएं में कितनी जगह है? हाँ, यह एक बहुत बड़ी ताकत है पाजी। कल मैंने 4 तरबूज खाए थे और उसके साथ हाँ एक। ठीक है, मैं और नहीं सुन सकता, मुझे नहीं सुनना। हाँ भाई, क्या आपने वो सुना? लगता है मधुमक्खियाँ है जो शहद खाते हैं। लखा के बच्चे, वो क्या कर रहे हैं वहाँ? हाँ, चिंता मत करो भाई, वो पिछली बार की तरह अपनी कटार हमें वापस दे देगा, ये देखा। अरे लखा, अपनी कटार मुझे दे दे ठाकुर। मैंने कहा अपनी कटार मुझे दे दे लखा। अच्छा, अपने लिए खुद लिया। अरे अचानक तुझे क्या हो गया? रुका, देखो मैं इतने सारे फल तुम्हारे लिए लाया हूँ, खाओगे? खा लो। ये मेरा लिया है। जितना चाहे उतना खा सकते हो तुम, सब तुम्हारे लिए है। खाना शुरू तो नहीं करते? रुक जा छोटे, इसमें जहर भी हो सकता है, आंखें बंद करके टकला के बच्चे पर भरोसा मत कर। कोई खराबी नहीं है, बस थोड़े पुराने हो गए हैं और कुछ नहीं। मेरे पापा का ऑपरेशन होने वाला है, मैं उन्हें देखने जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सार मुझे मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी लौट भी ले, मेरा मुख को सच बता। अरे कुछ तो दया करो भाई लोगों, मेरे पापा बीमार है, मुझे सच में उन्हें मिलने जाना है। क्या इसका घटिया बॉस से घर नहीं जाने दे रहा है? हमें उसे अच्छे से जाना चाहिए भाई। रुक जा, ये कोई चाल भी हो सकती है, समझा तू? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे फिक्र हो रही है कि अगर मैं उन्हें नहीं मिला तो मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। मुझे डर लग रहा है दोस्तों, मैं करूँ भी तो क्या करूँ? भाई मुझे लगता है ये सच बोल रहा है। बिल्कुल नहीं, मुझे इसकी एक बात का भी भरोसा नहीं है। भाई एक बार बीमार पड़ गया था, मैं रात भर उसके लिए रोया था, जागा था, भूख भी नहीं लगी थी, मैं सच में कुछ भी नहीं खाया था। अब दोनों रोना बंद करो, अगर लखा जख्मी हो जाए तो काम नहीं कर सकता, समझे तुम? ये तो सच है, मारो मारो मुझे, जोर से मारना, मैं झेल लूंगा। मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकता हूँ भाई, तुम भी करो। ठीक है फिर। हेलो, कौन बोल रहा है? लखा, मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे ऐसी हालतों में काम करवाया, मुझ पर केस मत करना लखा। नहीं करूँगा, अगर मुझे कुछ दिन की छुट्टी मिल जाए। जो तुम कहो, छुट्टी ले लो। यकीन हो रहा है, काम कर गया। एक बात और, मैं एक डॉक्टर भेज रहा हूँ और तुम उसे अपनी जांच करवा लेना। भालू वहाँ आ गए हैं, जांच भूल जाओ, वहाँ से तुम दबा कर भाग लो, भागो नकले लखा, भागो। अरे क्या बात है, मुझे बचा लिया, शुक्रिया मेरे दोस्त। भाई तुम बहुत खूब हो, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। हम लोग एक काम करते हैं, ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। सर वो भालू। लखा बेटा, मॉम बोल रही है। पापा कैसे हैं, सब ठीक है ना? क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हैं। कुछ घंटे पहले ही हॉस्पिटल से वापस लाई हूँ, सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करो। क्या बात है, वो वापस भी आ गए? बिल्कुल, वो बाहर आ गए हैं, उनका बस एक छोटा सा ऑपरेशन था। तुम भी ना लखा, बहुत जल्दी जाते हो। पापा ठीक है, अब मैं फिर से लकड़ी काट सकता हूँ। लखा के बच्चे, क्या कहा तूने अभी? हाँ बहुत जल्दी। नहीं नहीं, देखो शांत हो जाओ, मुझे मम्मी के पास जा रहा है। नहीं करेंगे, समझा तू?